नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद को सजाया जा रहा है। हाउडी मोदी की अपार सफलता के बाद अब मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में गूंजेगा केम छो ट्रंप। 24-25 फरवरी को होने वाले अपने दौरे को लेकर ट्रंप भी बेहद उत्साहित है। ये कलपहिया, ये गर्मजोशी, ये जुगलबंदी, ये रॉक स्टार अवतार, सितंबर 2019 की ये तस्वीरें कहीं भूल तो नहीं गया? अगर भूल भी गए हैं तो एक बार फिर आपकी यादों में रचने बसने जा रही है ये जोड़ी, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के सत्ता प्रमुखों की जोड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात पर दोनों देशों का बहुत कुछ टिका हुआ है, मगर इस मुलाकात पर नजरें पूरी दुनिया की भी टिकी है। आ रहे हैं ट्रंप, क्या ला रहे हैं ट्रंप और क्या ले जाएंगे ट्रंप? जवाब है, बहुत कुछ ले जाएंगे, बहुत कुछ दे भी जाएंगे, मगर उससे पहले ट्रंप के दिल का हाल जान लीजिए। आजकल उनके पांव जमीन पर नहीं है, उनकी जागती आंखों में सपने लहरा रहे हैं कि वो हाथ हिला रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान हिलोरे मार रहा है। अमेरिका के कई राष्ट्रपति भारत आए गए, मगर ट्रंप का जोश निराला है। So last night we probably had 40 or 50,000 people, far more than anyone else. But when we have 50,000 people nowadays, fellas, I'm not going to feel so good, because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. And you know, it's the largest stadium in the world. He's building it now. It's almost complete. And it's the largest in the world. And he's a friend of mine. He's a great gentleman. And I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the month. यह वैसा ही है जैसे किसी शेर के मुंह शिकार लग गया हो। दरअसल हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप को बुलाकर मोदी ने जो ट्रंप कार्ड खेला था, यह उसी का जादू है। अपने देश में इतने बड़े जनसमूह को पहली बार ट्रंप ने संबोधित किया था, और अब जब इससे भी बड़े जनसमूह के स्वागत में आने की बात है तो ट्रंप बल्लियों उछल रहे हैं। जानते हैं क्यों? अमेरिका में इसी साल चुनाव होना है, ट्रंप को भारतीयों के वोट चाहिए। अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में केम छो ट्रंप कार्यक्रम के दौरान ट्रंप बोलेंगे तो गूंज अमेरिका में बसे भारतवंशियों तक जाएगी, खासकर गुजराती वोटरों तक। अमेरिका में गुजराती वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। इसके अलावा ट्रंप भारत में रक्षा सौदों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों में व्यापार को लेकर भी कई संधियों की संभावना है। इस दौरान ट्रंप व्यापार संतुलन को साधने की कोशिश करेंगे। हकीकत ये भी है कि भारतीय हुकूमत को भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश का साथ चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति वो सब कुछ दे सकते हैं जो फिलहाल भारत को चाहिए। ट्रंप के दौरे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ेगी। धारा 370 हटाने के बाद से भारत की छवि खराब करने की पाकिस्तान, मलेशिया जैसे देशों ने जो कोशिश की है वो बेअसर होगी। अमेरिका के लिए निर्यात होने वाली वस्तुओं पर अमेरिका इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा ट्रंप के साथ होने से तेल निर्यातक देशों में भारत की साख और मजबूत होगी। भारत का रुतबा बुलंद होने वाला है, वो इसलिए भी कि ट्रंप पाकिस्तान नहीं जाने वाले। इस दौरे के दौरान भारत ट्रंप के जरिए दबे कुचले पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में चल रही खलबली इसका प्रमाण है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को 11 साल के लिए जेल की सजा सुनाकर अमेरिका को पटाने की कोशिश की, ताकि एफएटीएफ में उसकी फजीहत ना हो। समवेयर अराउंड 20 फरवरी प्लेनरी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ अगेन पेरिस में। पाकिस्तान को 2 महीने का समय दिया गया था कि जो 22 पॉइंट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर, उनके अनुसार कार्रवाई करना। पाकिस्तान ने बीजिंग में जो रिसेंटली मीट हुई थी कुड नॉट कैरी कन्विक्शंस, उसमें 12 में किया, बाकी 14 13 के लिए किया, 14 के ऊपर अभी भी कार्रवाई करनी थी। तो ये एक किस्म से पाकिस्तान का दिखावा है, पाकिस्तान की मजबूरी थी कि इस इंटरनेशनल दबाव से बचने के लिए हाफिज सईद को पनिश किया जाए। वास्तव में जब ये प्लेनरी मीटिंग हो जाएगी खत्म, तो यकीनन पाकिस्तान जो है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देगा
उसको तमाम सहूलतें देगा जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन को दी जाती है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान ये एक गेम खेल रहा है हाफिज सईद को केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इसलिए वो एक आधे लीडरों को पनिशमेंट दे के दिखावा करना चाहेगा कि हम दुनिया के साथ है, लेकिन आगे आने वाला समय ही दिखाएगा कि क्या इस पूरे मामले में वो सीरियस है कि नहीं। पाकिस्तान को डर ये भी है कि कहीं भारत के कहने में आकर ट्रंप कश्मीर के मसले पर कोई ऐसा बयान न दे दें जिससे उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। हालांकि ट्रंप मध्यस्थता की बात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। भारत पर धीरे धीरे दुनिया का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो कश्मीर में हमने 370 को हटाया है और बार बार ट्रंप की तरफ से बयान कम से कम मीडिया में आ रहा है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स उसमें राइडर है कि अगर दोनों देश मानते हैं तो भारत इसको कभी नहीं मानेगा। खैर, ट्रंप को जो चाहिए वो प्रधानमंत्री मोदी बहुत आराम से दे सकते हैं, यानी जलसा, जुलूस, जनसमूह। यकीन मानिए, हाउडी मोदी से कहीं ज्यादा जोरदार होने वाला है गेम छोड़ ट्रंप कार्यक्रम। ट्रंप अभिभूत हुए बगैर नहीं जाएंगे। अगर ये जादू चलेगा तो भारत के हित में भी कई जादू हो सकते हैं। अहमदाबाद से गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। तो अहमदाबाद में दोनों देशों के नेता अपने अपने मिशन को आबाद करेंगे, मगर ये पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष के स्वागत के लिए अहमदाबाद को चुना हो। इससे पहले वो चीन के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री का इसी शहर में भव्य स्वागत कर चुके हैं। अहमदाबाद है तो जिंदाबाद है, या यूं कहें अहमदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। वो यूं कि जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का खास स्वागत करना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को चुनते हैं। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बाद इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ने जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो खैर मकदम किया था वो बेहद सुर्खियों में रहा था। अहमदाबाद थमसा गया था, प्रधानमंत्री ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया था। साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों का झूला झूलना चर्चाएं आम रहा। यह अलग बात है कि देश को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। चाइना आज भी भारत के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ता। ২০১৭ में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती जग जाहिर है। मोदी ने मौके को यादगार बनाने के लिए एक बार फिर अहमदाबाद को चुना। शिंजो आबे ने भी साबरमती आश्रम जाकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। रिवर फ्रंट पर भी दोनों की दोस्ती को कैमरों ने बखूबी कैद किया था। इस स्वागत सत्कार ने दोनों मुल्कों को और भी करीब किया। गुजराती मेहमान नवाजी के तीसरे गवाह बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन फौरन हम लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक। चलिए आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम और देखते हैं कि आखिर किस तरह यहां पर जर्रे जर्रे को चमकाया जा रहा है। यहां से खास रिपोर्ट भेजी हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात का दौरा करने वाले हैं और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम मौजूद है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में, और यहाँ पे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस स्टेडियम का इनॉग्रल किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल डे नाइट शिफ्ट में काम कर यहाँ के जो लोग है इस स्टेडियम को पूरी तरीके से कम्प्लीट करने में लगे हुए आप देख। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।